दोस्तों नमस्कार। आज दूसरा T20 मुकाबला है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। आपको याद होगा पहला T20 जो मुकाबला खेला गया था वो बारिश में धुल गया था और उसमें टॉस तक नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है एडन मार्करम को बहुत उम्मीद है, सूर्य कुमार यादव को बहुत उम्मीद है, इस बार दूसरा T20 मुकाबला होगा और जरूर होगा। लेकिन मौसम विशेषज्ञ जो है वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। उनका कहना है इस मैच पर भी बारिश का छाया है। तो ये अपने आप में क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। और T20 वर्ल्ड कप से पहले अब केवल 5 मैच बचे हैं, आज के मैच को अगर मिला दिया जाए तो यानी भारतीय खिलाड़ियों को अब ज्यादा अवसर नहीं है, क्योंकि इस सीरीज के 3 मैच जिसमें एक मैच बारिश में धुल चुका है, आज दूसरा मैच है, फिर तीसरा मैच है सीरीज का, और फिर उसके बाद भारतीय टीम को अफगानिस्तान के दौरे पर जाना है जहां भारत को 3 मुकाबले खेलने हैं और उसके बाद सीधा T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम उतरने जा रही है। IPL होगा बीच में, बस वही एक उम्मीद की किरण है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। तो वहीं इस बारे में जो है खासकर वो क्रिकेटर जिन्होंने अपना खूब जलवा बिखेरा है उन पर सबकी नजरें रहेंगी, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे वो मुकेश कुमार हो, रिंकू सिंह हो, जितेश शर्मा हो, इन सब पर नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को उजागर किया है। और वहीं अगर रवि बिश्नोई की बात करें वो दुनिया के नंबर 1 जो है बॉलर बन गए हैं और लेग स्पिनर हैं और केवल 21 मुकाबले उन्होंने T20 के खेले हैं, और ये अपने आप में दर्शाते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें उन पर जरूर होगी कि ये T20 वर्ल्ड कप के चमका सितारा इसको कैसे फेस किया जाता है। तो दुनिया भर की नजरें इन पर जरूर रहेंगी। और वहीं सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान है उन्होंने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप से पहले बहुत कम मैच बचे हैं आप, लेकिन अब हमारी उम्मीदें जो है IPL पर भी टिकी हुई है, क्योंकि IPL में कम से कम हर टीम को 14 मुकाबले खेलने को मिलेंगे, तो वो एक राहत की खबर हो सकती है किसी भी खिलाड़ी के लिए और उनकी नजरें IPL पर जरूर टिकी रहेंगी। और वहीं एडन मार्करम जो कि साउथ अफ्रीका के कप्तान है, 49 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी पिछले दिनों उन्होंने जो है अभी वनडे का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें, और ये खिलाड़ी जो है टीम का कप्तान है। इनका कहना है कि साउथ अफ्रीका 20 यानी साउथ अफ्रीका में भी एक IPL की तरह एक लीग होती है, उसमें भी IPL की टीमें कुछ जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि उन पर सबकी नजरें टिकी हुई है टीम के खिलाड़ियों की। इतना ही नहीं डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट भी होना है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम को जो अभी काम करना है वो है छठे बॉलर की समस्या अभी हल करनी है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इस बार मौजूद नहीं है इस दौरे में। तो जाहिर सी बात है कि अब छठे बॉलिंग ऑप्शन को लेकर भारत के पास 2 ही विकल्प है, यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा। ये गेंदबाजी करके भारत के छठे गेंदबाज की समस्या को किस तरह से सॉल्व करते हैं इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।